थोड़ा सा पीछे चलो, मैंने कहा ओके, एडिशनल एसपी सर श्री भारती सर, इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के हद में कुछ लोग कट्टा तलवार ऐसे औजार लेके दरोड़ा डालने की तैयारी कर रहे हैं। ये मालूमात मिलने पर ये मालूमात हमने एएसपी श्री संधू सर इनको बताई और उनके गाइडेंस में मैं मेरे साथ में पीएसआई शेख, मेरे स्टाफ के मनोज चौहान, मिसर धारणकर, उमेश सांगले ऐसे लोगों ने वहां जाके छापा डाला। छापा डालने के बाद वेकार मास्टर जिसके पास हमको कट्टा मिला, वैसे ही वसीम खान, शब्बीर खान, अब्दुल मलिक, मोहम्मद यूसुफ ये लोग हमने पकड़े। उनके पास से तलवार, चॉपर ये बरामद किए। वेकार मास्टर के पास जो कट्टा मिला वो कट्टे में यानी मैगजीन में दो जिंदा राउंड भी थे। उनके तीन साथीदार उसमें रब्बानी, सीरिया और इश्तियाक अप्सरा, इम्तियाज अप्सरा वो भागने में कामयाब हो गए। आज बाद में इम्तियाज अप्सरा इसको भी हमने गिरफ्त में ले लिया है। आज ये तीनों आरोपियों को कोर्ट में हाजिर किया, कोर्ट ने उनको 4 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। हम जब स्पॉट पे गए तो वहाँ इम्तियाज अप्सरा वहाँ भी था और हमको देख के वो भाग गया। उनका क्या हुआ है ये हमको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। इसमें धारा 399 आईपीसी 399 भी कलम लगी है। आज दोपहर में मालेगांव के अपर पुलिस अधीक्षक श्री भारती सर इनको मालूमात मिली कि गुलशर नगर डेपो में कुछ लोग कफ सिरप जो दवाइयां है वो बेच रहे इल्लीगल तरीके से और कुछ लोग कुत्ता गोली भी बेच रहे ऐसे उनको मालूमात मिली। वो मालूमात मिलने पर मालेगांव की एलसीबी के पीएसआई पाटिल साहब, मैं और एलसीबी का स्टाफ इन्होंने गुलशर नगर डेपो में छापा डाला तो वहाँ से शेख गुफरान, शेख बाबू, रानार गुलशर नगर, फैजल अजीम, इकलाक अहमद, रानार तवक्कल नगर और अफजल शेख अख्तर इनको वहाँ पकड़ा। उनके पास से 28 बॉटल जो कोरेक्स की है वो बरामद की गई है।